रास्ते में गुप्ता वाले ने देख लिया, हमें बहुत डर लग रहा है। हमें तो सिर्फ एक ही बात का डर है, वो आपके कहाँ का, तो कहिए ना हाँ या ना। हमारी बात तो सुनिए, बताइए ना हाँ या ना। जी हाँ। अरे जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। रेनू राजीव श्रीवास्तव, हा हा, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन आप अगर हमको चाहती थी तो पहले क्यों नहीं बताया? कभी देखा किसी फिल्म में लड़की ने लड़की को आई लव यू कहा? हम तो वैसे भी नहीं सोच सकते थे। हम देवयानी जैसे स्टाइलिश और अनिल जैसे स्मार्ट कहाँ है? अब वो दोनों तो इंग्लिश भी पढ़ी है, हम तो हिंदी में ही रह गए। रेनू जी, ये प्यार तो दिल की आवाज है जो सीधा दिल तक पहुँचती है, ये बीच में कहीं नहीं रुकती, ना किसी के स्टाइल पे, ना किसी के आइडिया पे, कुछ नहीं। हिंदी इंग्लिश मीडियम तो कुछ भी नहीं है। आप देखिए हमारे दिल की आवाज आपके दिल तक कैसे डायरेक्ट पहुंचे, पहुंचेगा नहीं? अरे बताइए बताइए ना जी। छोड़िए ना, कोई देख लेगा। अरे देख लेने दीजिए सारी दुनिया को कि राजीव अपनी रेनू से कितना प्यार करता है। ये तो हमारे लव स्टोरी का स्टार्ट है रेनू जी। स्टार्ट नहीं, दी एंड, देवदास वाला, आशिकी टू वाला। मतलब? जी पापा का ट्रांसफर दिल्ली हो रहा है, हम सब जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। अरे ये क्या किया आपने? देखिए खून निकल रहा है, आपको दर्द हो रहा है। हमारे दर्द कितनी परवाह है, हमको छोड़ देना चाहिए। हम अपने परिवार को कैसे छोड़ के नहीं जा सकते, हमें जाना होगा। और हमें छोड़ के चली जाइएगा तो हाँ बोला ही क्यों, जो मना करना था ना कर देती। वो उम्मीद क्यों बनाया जिसको तोड़ना ही था? क्योंकि सच्चाई तो यही है राजीव जी कि हमारे जवाब हाँ है, और ये भी सच है कि हम अपने परिवार को छोड़ नहीं सकते। अब प्यार का नाटक मत कीजिए मुझे, आप जाइए, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। अब किसी से प्यार तो नहीं कर पाएंगे, अपने आप को खत्म करने से रोकने वही करीमत है। जाइए आप।